वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन गेन विद अनदर लेक्चर कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 22। इन माय लास्ट लेक्चर आई सेड टू यू दैट आई विल बी गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स। तो अगर आप अपना कुछ रिवाइज करें पार्ट अपने जेन में, अगर आपने पार्ट टू के अंदर सॉरी या पार्ट वन के अंदर चैप्टर टू मैथ्स के अंदर आपने इस तरह का साइन पढ़ा था कि जब आप दो फंक्शंस को डील कर रहे हैं तो अच्छा यही ये भी कुछ उस तरह से की चीज़ है, पर इसको हम किस तरह से देख रहे हैं, ये इसके बराबर होगा जीरो टू टी एफ ऑफ टॉ और जी ऑफ टी माइनस टॉ और डी ऑफ टॉ। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इसी तरह एक फंक्शन लिख दूं ई की पावर टी साइन टी, तो ये किसके बराबर होगा जीरो टू टी एफ ऑफ टॉ, ये आपके पास एफ है और ये जी है, तो ई की पावर टॉ और जी क्या फिर साइन टी माइनस टॉ और ये डी ऑफ टॉ। अच्छा अगर मैं सारी चीज़ को आई कह लूँ और मुझे ये फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, जब आई लेट रूल लगेगा दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन है तो फिर हम पहले टी आता है और फिर ई आता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाद वाले फंक्शन के तौर पर डील करेंगे, इसको पहले वाले फंक्शन के तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक को डील करेंगे। तो पहले वाला फंक्शन जो था उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, तो डेरिवेटिव वाली चीज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज इट इज लिखा जाता है, तो साइन टी माइनस टॉ एज इट इज, और जिसका डेरिवेटिव ले जिसकी इंटीग्रेशन करनी उसकी इंटीग्रेशन ई की पावर टॉ की इंटीग्रेशन ई की पावर टॉ होगी, जैसे उसका डेरिवेटिव भी ई की पावर टॉ ही होता है। जब इनके साथ कोई पावर आती है तो फिर जब डेरिवेटिव लेते वक्त वो चीज नोमिनेटर में आती है और इंटीग्रेशन के बाद वो डिनोमिनेटर में आती है, और लिमिट्स क्या है जीरो टू टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू टी, और दोबारा जिसकी अब इंटीग्रेशन करनी है और जिसका डेरिवेटिव लेना हो दोनों चीज़ों में साइन के डेरिवेटिव कॉस टी माइनस टॉ और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव टी का जीरो माइनस टॉ का वन, और ये आपके पास ई की पावर टॉ फिर एज इट इज और ये डी ऑफ टॉ। ठीक है, ये आई लिखा हुआ ये वाला जो मैंने इधर लिया कि मैं इस सारी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू अच्छा इस सारे पे अब ये लिमिट लगेगी, तो साइन अपर लिमिट लगेगी साइन टी की जगह टॉ माइनस टॉ सॉरी ये है जीरो टू टी, तो और रिस्पेक्टिव ये हमारा टॉ है तो टॉ की जगह लिमिट्स आएंगी, सो टी एज इट इज और माइनस टॉ की जगह अपर लिमिट टी और ई की पावर भी टी फिर माइनस साइन टी माइनस जीरो और ई की पावर भी जीरो। ठीक है, ये लिमिट्स लगी अपर और लोअर और माइनस ये वाला प्लस हो गया जीरो टू टी, ये वाला माइनस प्लस कॉज ऑफ टी माइनस टॉ और ई की पावर टॉ डी ऑफ टॉ। ठीक हो गया, यानी कि इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं, ये आई बराबर है ये साइन जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा फैक्टर जीरो और ये वाला ई की पावर जीरो वन के बराबर, तो ये माइनस साइन टी प्लस जीरो टू टी कॉज ऑफ टी माइनस टॉ इंटू ई की पावर टॉ डी ऑफ टॉ। अच्छा अब ये दोबारा दो फंक्शंस का आ गया, तो आप जानते हैं कॉज वाला डेरिवेटिव के लिए और दूसरे वाला इंटीग्रेशन के लिए माइनस साइन टी प्लस कॉज टी माइनस टॉ और ई की पावर टॉ और ये लिमिट्स जीरो टू टी माइनस इंटीग्रेशन का साइन जीरो टू टी और डेरिवेटिव कॉज का माइनस साइन टी माइनस टॉ और जीरो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव टी का जीरो माइनस टॉ का वन और फिर ये आपके पास ई की पावर टॉ की इंटीग्रेशन टॉ और ये डी ऑफ टॉ। ठीक हो गया, अब ये आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस
अच्छा अगर आप लोगों को कोई भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में प्रॉब्लम है तो एफएससी के लेक्चर्स भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ से चैप्टर 2 डेरिवेटिव्स का एफएससी पार्ट 2 और इंटीग्रेशन के लिए चैप्टर 3 है उनको एक नज़र देख लिए रिवाइज करने। अब जब यहाँ पे मैं लिमिट्स डालूंगा अपर लिमिट पहले तो ये कॉस ऑफ टी माइनस टी अपर लिमिट जा रही है अभी टी ई की पावर टी और फिर ये लोअर लिमिट कॉस ऑफ टी माइनस जीरो और ई की पावर जीरो फिर ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला फिर माइनस माइनस ही रहेगा जीरो टू टी और साइन ऑफ टी माइनस टॉ और ई की पावर टॉ डी ऑफ टॉ। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं इवेल्युएट करके लिख देता हूं। यानी कि ये चीज हो जाएगी आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस आपके पास यहाँ पे ये कॉस टी माइनस टी कॉस जीरो और जो कि वन हो जाएगा और ए की टी ई की पावर टी फिर यहाँ पे ये माइनस कॉस टी और ई की पावर जीरो वन के बराबर है तो वन मल्टीप्लाई होगा तो वो उसी तरह रहेगा माइनस कॉस टी। अच्छा ये वाली चीज़ किसके बराबर है शुरू में जो मैंने लिखी है ये वही चीज़ आ गई है तो हम इसे माइनस आई लिखें तो ये वाली चीज़ इधर आके प्लस हो जाएगी तो आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू माइनस साइन टी प्लस ई की पावर टी माइनस कॉस टी। ठीक है तो हमें तो सिर्फ आई चाहिए तो टू सबसे डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू वन ओवर टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर टी। तो अब हम इसको अपना जनरली लिखते हैं कि असल में हम फाइंड क्या कर रहे थे और हमारे पास आंसर क्या है। हम कह रहे थे ये फाइंड ई की पावर टी स्टेरिक साइन टी यू कैन से इट एनीथिंग स्टेरिक और एल्स व्हाट यू वांट ये बराबर है जीरो टू टी की इंटीग्रेशन लिमिट्स ई की पावर टॉ साइन ऑफ टी माइनस टॉ और डी ऑफ टॉ। तो ये आया किसके बराबर वन ओवर टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर टी। अच्छा अब मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट करने जा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। वो क्या है कि अब इन चीजों का हमने लेप्लास डिस्कस करना है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है कि इस चीज का जो लेप्लास है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के ही बराबर है। अब अपने सेकंड ईयर का नॉलेज आप याद कर सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एंड लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। तो ये तो हो जाएगा एफ ऑफ एस और ये हो जाएगा जी ऑफ एस तो बेसिकली ये इसी के बराबर है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं तो बेसिकली अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उन दोनों का सिंपली लेप्लास इनवर्स लेके इस तरह से लिख सकते हैं एफ स्टेरिक जी नॉट मल्टीप्लाई इट इज समथिंग डिफरेंट देन मल्टीप्लीकेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू डील विद एन एग्जांपल
क्लास ऑफ जीरो टू टी लिमिट्स है ई की पावर टॉ साइन टी माइनस टॉ डी ऑफ टॉ। तो बेसिकली ये किस चीज का लेप्लास है, ये उसी तरह से है लेप्लास ऑफ ई की पावर टी स्टेरिक साइन टी, यानी के इन दोनों का अलग अलग आप लेप्लास ले सकते हैं। तो यहाँ पे ई की पावर अल्फा टी, अल्फा इज वन, तो इसका आ जाएगा वन ओवर एस माइनस अल्फा एस माइनस वन, और इसका लेप्लास के साइन के टी, के इज वन, सो के ओवर एस स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस माइनस वन। ठीक है, तो अगर एक चीज नोट कर ले, मैं लेप्लास इनवर्स लूंगा फिर, बाद में वहां पहले की भी है एफ ऑफ एस का और जी ऑफ एस का, तो ये कैसे आएंगे एफ स्टेरिक जी। वी विल डील सम मोर प्रॉब्लम्स इन दिस रिगार्ड। एग्जाम्पल लेप्लास इनवर्स फाइंड करना है आपने, वन ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसे एक तरीका जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक डील करना है। लेप्लास इनवर्स ऑफ वन ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वन ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दो फंक्शंस के तौर पे इसे डील करें। ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एस भी यही है, जी ऑफ एस भी यही है। अब मैं इन सब के साथ, यानी कि मैं ऐसे कर लेता हूं लेप्लास इनवर्स वन ओवर के का स्क्वायर, या इसके वन ओवर के स्क्वायर को मैं बाहर लिख लेता हूं, एक के इसके साथ मल्टीप्लाई एक के इसके साथ ओवर एस से के प्लस के स्क्वायर ओवर एस से के प्लस के स्क्वायर। तो इसका वन ओवर के स्क्वायर ये किसका लेप्लास है, के ओवर एस के प्लस के स्क्वायर साइन के टी। और ये स्टेरिक और ये फिर दोबारा साइन के टी। अच्छा, पर हम इसको दूसरे तरीके से भी डील करेंगे, क्या हम इसको वैसे भी फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यानी कि हमारा एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दोनों सेम है, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, वन ओवर के स्क्वायर हम इस चीज को भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली चीज है किसके बराबर, ये इसके बराबर आ जाएगी जो भी चीज लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है, दोबारा नहीं लिख रहा, जीरो टू टी साइन के टॉप और साइन के माइनस, सॉरी साइन के टी माइनस टा और डी और टा। तो वो जो चीज आखिरी एक्सप्रेशन में लिखा वो इसके बराबर आएगा।
हो गया। अब मैं और यहाँ पे हमारे पास 1/k² भी था। अब अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी, तो -1/2k² और 0 to t -2 sin kt, सॉरी k ऑफ टॉ और sin k(t-t) और d ऑफ टॉ। ये -2 sin किस चीज़ का फॉर्मूला है, हम इस चीज को कर लेंगे प्रोडक्ट टू सम फॉर्म में जाएंगे, तो वो इस तरह से होगी कॉस, ये -2 sin आता है कॉस, माइनस कॉस होता है, तो -1/2k² 0 to t, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस kt, ये वाली चीज होती है माइनस फिर ये वाली चीज, तो k ऑफ टॉ माइनस सॉरी प्लस करेंगे, ये प्लस और फिर माइनस, ठीक है। ये आपके पास एंगल है लेट्स सपोज अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा करें, k ऑफ टॉ प्लस k ऑफ टी माइनस, यानी कि आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, k ऑफ टॉ प्लस ये चीज, अब ये वाला एंगल, तो के टी और फिर प्लस माइनस माइनस के ऑफ टॉप, और ये माइनस फिर क्योंकि कॉस माइनस कॉस का फॉर्मूला है। अब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है के ऑफ टॉप और बीटा क्या है माइनस करेंगे, तो माइनस के ऑफ टी प्लस के ऑफ टॉप डी ऑफ टॉप, -1/2k² 0 to t कॉस, ये आपस में कैंसिल, के टी माइनस कॉस 2 के टी सॉरी दैट इज 2 के टॉ, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, -kt(d) ऑफ टॉ के रिस्पेक्टिव हम चल रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि इसको मैं लिख लेता हूं और इसका अलहदा इंटीग्रेशन करें, इसके अलहदा इंटीग्रेशन करें, कॉस की इंटीग्रेशन आती है -sin, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव -sin होता है, कॉस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन होता है, तो मैं इसको लिखता हूं sin kt और साथ आपके पास है, तो यहाँ पे ये -1 होगा क्योंकि इसमें तो टॉ है नहीं, तो हमें बेसिकली जो है ना ये टी में है, टॉ में नहीं है, हम विद रिस्पेक्ट टू टॉ चल रहे हैं, तो ये वाली चीज़ तो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगी cos kt, और ये -1 की इंटीग्रेशन होगी जो कि टॉ आ जाएगा और ये 0 to t लिमिट्स आ जाएंगे, फिर माइनस, अब यहाँ पे इसके अंदर टॉ है तो हम -cos की इंटीग्रेशन sin 2k(t-kt) और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में और लिमिट्स 0 to t, और ये ऐसे एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2k, इसका तो 0 हो जाएगा -0, तो ये 2k आपके पास ठीक हो गया। अब ये दोबारा -1/2k² और मैं इसके अंदर जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट मल्टीप्लाई करूँगा तो एक दफ़ा तो ज़ीरो, तो सब चीज़ 0 हो जाएगी, अब -0 होगा ना, अपर लिमिट टी आएगी t(cos kt) आ जाएगा, और ये अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, -1/2k, और जब मैं इस चीज के अंदर लिमिट पुट करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो देखने तक क्या होगा, अपर लिमिट में मैं करूंगा तो ये sin 2kt हो जाएगा और माइनस फिर kt, तो sin kt रह जाएगा, राइट। अब मैं माइनस लोअर लिमिट,
साइन ये वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है, टू के टॉ टॉ की जगह जीरो आएगा तो वो जीरो माइनस, और फिर के टी डिवाइडेड बाई टू के, वो आपका बार ही है। अच्छा ये जो साइन का मैंने पहले भी बताया एक लेक्चर में कि साइन कॉस और सिकेंट के माइनस बार नहीं आते, बाकी वाले माइनस बार आ सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ से माइनस हटा दूँ तो ये बार आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर टू के का स्क्वेयर टी इंटू कॉस के टी माइनस वन ओवर टू के, और ये टू साइन के टी हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और अगर मैं इसके साथ भी एक के मल्टीप्लाई कर दूं और एक के डिवाइड कर कॉमन लेने के लिए, तो ये के टी कॉस के टी हो जाएगा और माइनस साइन के टी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टू के क्यूबिक हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी एक नीचे के है, तो इसमें सामने इसके नीचे भी डिनोमिनेटर सेम, यू कैन से दैट वी हैव टेकन जस्ट द एलसीएम। तो आगे डेरिवेटिव्स ट्रांसफॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के कुछ सवाल हैं, आई विल जस्ट गो थ्रू विद देम इन अ वाइल, जस्ट आई विल टेक यू सम टाइम बिकॉज कुछ क्वेश्चन तो मैं आप ही को दे दूंगा करने के लिए। डेरिवेटिव्स वाले ट्रांसफॉर्म के अंदर जो हमने डील किया था, तो उसके लिए क्वेश्चन आप लिख लें, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। टी इंटू ई की पावर -10, आपने इसको फंक्शन डील करना है और टी की पावर के रह के वो डेरिवेटिव वाली जो हमने की थी कि -1 की पावर एन, तो एन क्या होगा टी की पावर एन होगी, और फिर डी ओवर डी एस लेप्लास ऑफ फंक्शन, इसको फंक्शन ट्रीट करेंगे, और ये ई की पावर -10 टी है, ठीक है। और फिर एक और फंक्शन क्वेश्चन लिखें, लेप्लास ऑफ टी इंटू कॉस 2t, ठीक है ये कर लीजिएगा। फिर एक और फंक्शन लिखें, क्वेश्चन लेप्लास ऑफ t इंटू ई की पावर 2t और साइन 6t। अच्छा इसका मैं आपको गेस दे देता हूं, पहले तो आपने ऐसे ही जाना है कि t की पावर वाले तरीके से जाना है, और फिर आपके पास जब e की पावर 2t और साइन 6t होगा तो तब भी आपको पता है कि आप साइन 6t को पहले t को फार्मूला यूज़ करें और इसको एज अ फंक्शन, फिर जब इन चीज़ का डेरिवेटिव और फिर लेप्लास इस चीज़ का लेने लगेंगे तो फिर इस चीज़ वाला e की पावर 2t वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब हम जाते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की तरफ, उसके क्वेश्चन है कुछ। लेप्लास ऑफ वन स्टेरिक टी का क्यूब, तो ये एफ ऑफ लेप्लास ऑफ वन लें और फिर लेप्लास ऑफ टी क्यूब लें और आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। एक और क्वेश्चन, लेप्लास ऑफ ई की पावर -t स्टेरिक ई की पावर टी कॉस टी, तो इसका लेप्लास लें और इसका लेप्लास लें, यहाँ दो फंक्शन, तो e की पावर टी वाला वो जो फार्मूला था जिसके नाम कॉस टी का फार्मूला लेंगे, तो s को अप्रोच कर देंगे s माइनस अल्फा वाली, तो और अल्फा की वैल्यू e की पावर 1t, तो s की पावर अल्फा हो जाएगी, तो कॉस वाले फार्मूले में लेप्लास में जहाँ s आएगा वहाँ s -1 आ जाएगा, तो ये आपको पता ही है तकरीबन। एक और क्वेश्चन लिखें, लेप्लास ऑफ 0 to t e की पावर टॉ डी ऑफ टॉ,
इसका क्या होगा, आप अदर फंक्शन इसके अंदर क्या ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं, लेप्लास ऑफ 0 to t ई की पावर टॉ स्टेरिक, स्टेरिक को छोड़े आप वन कर लें, ठीक है डॉट वन, तो इस चीज को मैं और डी ऑफ टॉ कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ना ई ऑफ टी लेप्लास ऑफ ई ऑफ टी स्टेरिक वन, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसका लेप्लास ने और इसका लेप्लास ने उन दोनों का आपस में, यानी कि ये एफ ऑफ टी और ये जी ऑफ टी, इन दोनों का लेप्लास लेके आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आगे डायराक डेल्टा फंक्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिलेटेड, उसमें भी इनिशियल कंडीशंस कुछ यूज होंगी। तो ये लेक्चर अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।